हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है वट सावित्री पूजा का दिन। देखिए, मैंने मेहंदी भी लगाई है, एक ही हाथ में लगाई है मेहंदी। कैसी लगाई है ज़रूर बताइएगा। अच्छी तो नहीं होगी, मुझे उतना लगाने का आइडिया भी नहीं है। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सात। मैं नहा चुकी हूँ यहाँ पे, तो वैसे मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, कोई नहीं करता। तो यहाँ पे अकेले थोड़ा करने में थोड़ा सा अजीब लगता है, तो फिर भी आज जाऊँगी। आज कितना बजे, शाम को पहले स्कूल पहुँच जाके तब जाऊँगी। यहाँ पेड़ है थोड़ा सा हट के, तो मुझे लगता है आज अकेले ही करना पड़ेगा। यहाँ ना बहुत आदमी ने कल भी था, मतलब अब यहाँ कैलेंडर में तो कल ही था, लेकिन हम लोग इधर आज है, तो सब आज ही कर रहे थे मेरे घर इधर, तो मैंने आज कर लिया। तो इसलिए मैं आज जाऊँगी, और आज अभी 10 बजे के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि शानवी को खिला पिला के स्कूल पहुँचा के तब जाऊँगी। और अभी मैं सिर्फ नहा चुकी हूँ, पूजा करना है घर में, तो नीचे मैं जा रही हूँ फूल तोड़ने के लिए। चलिए आप लोग भी। पता नहीं फूल मिलेंगे अभी कि नहीं मिलेंगे, यहाँ पे उस साइड जाके तोड़ना पड़ेगा, देखती हूँ। यहाँ पे लगे हुए हैं थोड़े मोड़े फूल, कुछ यहाँ से तोड़ लेती हूँ, कुछ उधर से तोड़ लूँगी। देखिए यहाँ पे स्नेल चल रहा है, घूंघा। देखिए यहाँ पे कितने सारे फूल हैं, यहाँ से भी तोड़ लेती हूँ। देखिए मैंने इतने सारे फूल तोड़ लिए हैं, काफ़ी है। अब जाऊंगी घर में, पहले पूजा कर लेती हूँ, तब शानवी को उठा लेती हूँ। फ्रेंड्स, तैयारी हो चुके हैं, अब जा रही हूँ मंदिर। मैंने यहाँ साड़ी लगाई है, सूती साड़ी। पहने तो नहीं आता, लेकिन कैसे भी पहन ली हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैंने सिंदूर यहीं पे लगा लिया है, ताकि वहाँ पे कोई रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, देखती हूँ। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं जहाँ हम लोग को आना था। तो इस बार हम पेड़ पर आए हुए हैं, मतलब जहाँ पेड़ स्थापित है, बहुत बड़ा पेड़ है। नहीं तो इससे पहले मैं ये पेड़ का ये डंडी तोड़ के ही ले आती थी घर पे, क्योंकि पिछले बार तो कोरोना सब था, इसी के लिए नहीं आती थी। लेकिन ये पेड़ बहुत बड़ा है, और पता है बहुत ही अच्छा पेड़ है यहाँ की, मतलब ऐसा पेड़ मैंने नहीं देखा है, और इतना हवादार, इतना सुंदर। यहाँ पर अगर कोई आधा घंटा बैठ जाए ना इसके नीचे, तो उसको नींद आना ही आना है, कैसे भी करके आना ही आना है। इतना हवा चल रहा था, इतना ठंडा मौसम लग रहा था, मतलब थी गर्मी लेकिन ठंडा मौसम लग रहा था। और देखिए, मैंने इनको बोला था कि मेरा वीडियो लेने के लिए, पर इन्होंने जगह का पिक्चर लेने लगा, यहाँ का सब आपको दिखाने लगे हैं। देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे सब दिखाने लगे हैं। मैंने तो बाद में देखा था, मैं तो उधर काम कर रही थी, और यही सब दिखा रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा है यहाँ से देखिए दिखने में। और ये जो है, यहाँ मोटरसाइकिल गाड़ी सब सिखाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, वही है। देखिए मोटरसाइकिल चला रहा है यहाँ पे। तो अब मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। तो ये सब चीज़ तो मैं घर से ही लाई थी, बना के ही लाई थी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या करी, यहाँ मैंने सब में तो पिठार लगा दिया है, पेड़ में भी, और वहाँ देखिए आम है, एक आम को मैंने ना सो एक लुटकी पर चढ़ाया जाता है, ऐसे करके। पूरा विधि तो मैं आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि बताना पड़ता है इंसान को कि ये लीजिए, ये वीडियो लीजिए, पर इनको नहीं पता था, और प्लस गोदी में बाबू भी था, इसी के लिए उतना इनको नहीं पता था। तो यहाँ मैंने चना लिया है, चना और चावल को मिक्स करके लाई हूँ, पन्नी में ही ले आई थी। और ये सबको मैं 5 जगह रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने फल में नारियल, केला, लीची, सेब, आम, यही सब चढ़ाया था 5 रंग का। और इसमें सो मतलब सुहाग का सामान होता है, जैसे सिंदूर, चूड़ी, और यही सब हुआ। और यहाँ पे ना सो मैं बोल रही थी कि मैं पान का पत्ता भूल गई थी, जो कि ज़रूरी रहता है, मैं बोलना ही इनको भूल गई थी। यहाँ पे ऐसा होता है, 2-3 आदमी रहते हैं तब ना याद रहता है कि ये चीज़ हुआ, ये चीज़ हुआ। पर मैं अकेले थी यहाँ पे, मुझे अकेले करने में अजीब भी लग रहा था कि
मतलब यहाँ के आदमी सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, और देख भी रहे थे सब, मुझी को देख रहे थे कि ये क्या कर रही है। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था यहाँ पे अकेले में पूजा करने के लिए, तो मैंने इनसे कहा था पहले कि मुझे डार पेड़ का डार लेते हैं, ये मैं घर पे ही करूँगी। पर इन्होंने कहा नहीं, चलो पेड़ के नीचे ही अच्छा होता है करने का। तब मैंने किया है, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा था यहाँ बैठे हुए, थोड़े आदमी सब है जो देख रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे मतलब हम ही लोग की इधर के आदमी सब करते हैं, यहाँ पे जानते भी नहीं हैं कि क्या है। तो दो तीन आदमी ने इनसे पूछा भी था कि ये कौन सा पूजा है, तो ये पूजा किसी किसी को पता रहता है, क्योंकि ये स्पेशली मिथिला में जनकपुर साइड में और हमारे बिहार में मनाया जाता है, तो इसी के लिए। और यहाँ पे मैंने ना सब पूजा सब कर दिया। उसके बाद मैं अब थोड़ी देर में ना किताब पढ़ूँगी भगवान का, तो उसमें वही कथा हुई रहती है सत्यवान की और सावित्री की कथा होता रहती है, तो वही पढ़ते हैं। तो हम दोनों ने बैठ के सुना था, तो यहाँ कोई वीडियो लेने वाला था नहीं, तो इसी के लिए नहीं उसका वीडियो ले आया। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, सारे पेड़ का दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे मैंने सो यहाँ स्टार्ट अब करूँगी थोड़ी देर में पूजा, मैं और ये दोनों बैठ के ही सुनते हैं कथा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है कथा। तो यहाँ देखिए दोनों कोई बैठ चुके हैं, कथा यहाँ मैंने ख़त्म कर दी है कथा। और यहाँ मैं प्रणाम करके रख दूँगी, और थोड़ी देर में ना सो इसका मतलब पेड़ का राउंड राउंड घूमूंगी, 5 बार घूमना होता है धागा लेके। तो यहाँ मैंने सब कुछ मेरा जितना काम होता है सब मैंने कर दिया है, और लास्ट बार ये घूमना होता है 5 बार, ताकि ये घूमना ही होता है। और यहाँ पे ना इतना बड़ा पेड़ था कि मेरी मौली भी ख़त्म हो चुकी थी, तो डबल मैं संजोग से 2 मौली लाई थी, तो उसको जोड़ के तो फिर की। और यहाँ पे देखिए मैंने आज ना सो साड़ी पहनी हुई है, मैंने पिछला बार एक बार सूट पहना हुआ था, तो ये साड़ी जो है ना सो मैं घर से ही लाई थी, घर गई थी तो वहीं से लाई थी। तो मुझे तो उतना पहनना नहीं आता है, तो तभी मैंने पहन लिया कैसे भी करके, और उसमें सूती साड़ी नई साड़ी थी, तो बहुत दिक्कत हुई पहनने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फलक रहा था, और प्लस हवा भी इतना था ना कि मुझे संभालना मुश्किल हो रहा था ये, क्योंकि ये मैं मुझे साड़ी पहनने की आदत नहीं है। तो कैसे भी करके, और पूजा था तो मैंने कैसे भी करके पूजा आखिर कर ही डाला। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने साड़ी पहन के पूजा किया, क्योंकि ये सूती साड़ी पहनना बहुत ही कठिन है, वो भी न्यू में। बाद में तो ठीक है, लेकिन पहले क्योंकि नींद में बहुत फलका हुआ रहता है तो पहनने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे तो हुई थी। और इसमें कहीं भी आप 2-3 आदमी पूजा करते हैं ना तभी अच्छा लगता है, नहीं तो अकेले में बड़ा अबू लगते रहता है, और दूसरे जगह करने में सब आदमी आप ही को दिखता रहता है। तो मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये मेन रोड भी था, तो यहाँ पे जितने आदमी सब बस से भी जा रहे थे, तो जिसको समझ में आया होगा तो वो तो समझ ही लिया होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा तो वो सोच रहे होंगे ये क्या कर रही है, क्योंकि ये जो रोड है ना सो मतलब मेन रोड में ही पड़ता है, और साइड में पेड़ था। लेकिन ये जगह बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ठंडी ठंडी ऐसी थी, मतलब ठंडी जगह थी, मतलब ऐसे पेड़ सब रहना चाहिए रास्ते में, ताकि कोई मुसाफिर कहीं जाए तो उसको बैठने के लिए छांव मिले। तो यहाँ पे 2 पेड़ थे, यहाँ पे एक बरका भी पीपल का भी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक नोटिस किया है कि बरका और पीपल का दोनों साथ में ही रहते हैं, मैंने ऐसा यहीं पर पहली बार देखा है, मतलब नेपाल में या पहाड़ साइड में मैं देखी हूँ कि दोनों पेड़ को एक ही साथ रोपा गया है, मतलब थोड़ी दूर पर एक तरफ बर का पेड़ है, एक तरफ पीपल का पेड़ है। और उसके बाद ना ये क्या कर रहे थे, दिया जला रहे थे, कि इतना हवा चल रहा था ना कि दिया भी नहीं जल रहा था, तो एक कोना में जाके ये चला रहे थे। कितना हम लोग ना दिया जलाने के लिए पूरा भर्ती सलाई, एक सलाई ख़त्म हो गया हुआ होगा तभी जला कि नहीं जला, मैंने देखा भी नहीं। इन्होंने तो शुरू से लेके अंत तक दिया ही जलाते रहे, खोजते रहे कोना कि कहाँ पर दिया जले। और देखिए उसके बाद मैं आपको सीन दिखा रही हूँ यहाँ से, देखिए कितना सुंदर सीन लगता है, यहाँ से पूरा ग्रीन दिखता है। और यहाँ पे मन कर रहा था आधा घंटा बैठ भी जाएं, पर डुगूस को नींद आ रही थी इसी के लिए नहीं बैठे, और इनको भी ऑफिस जाना था। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, हवा जो आ रहा था तो लग रहा था नींद आ जाएगा, ऐसा लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी। और दूसरे भगवान सब भी थे यहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए,
तो देखिए, और यहाँ पर तो आपने देखा भोला बाबा का कितना बड़ा मूर्ति था, मूर्ति नहीं लिंग था, कितना बड़ा था, इतना बड़ा। और उसके सामने जो पत्थर था बसा भगवान का था, और देखिए ये है भोला बाबा का वो लिंग, कितनी अच्छी लग रही है। और मतलब यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा रहता है, घिना उना कहीं नहीं रहता है। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, तो ये ब्लॉग कैसा है ज़रूर बताइएगा। और मेरा फलाहार का टाइम भी हो गया था, शाम का समय है। खीर साबूदाना की है, तरबूज, केला, लीची, आम और ये चिनिया बादाम। हम लोग का क्या है ज़रूर बताइएगा। हैप्पी वर्ड सावित्री।